नमस्कार, मैं पार्थिव मेहता केएम टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। बाल तस्करी, क्या है ये बाल तस्करी? बाल तस्करी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बन गई। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज बच्चों की तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह समस्या हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। आए दिन बाल तस्करी की खबरें सुनने को मिलती है। अपराधी बच्चों को अगवा करके उनसे मजदूरी, देह व्यापार, भीख मंगवाने, घरेलू नौकर, खेतों में मजदूरी, फैक्ट्री में काम जैसे काम करवाते हैं। कई बार बच्चों के शरीर के अंगों को निकाल कर बेच देते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को खरीद फरोख्त भी बड़े पैमाने पर की जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में हर साल 2 लाख से अधिक बच्चे बाल तस्करी का शिकार होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% बाल तस्करी में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और बाल मजदूरी का काम जबरन करवाया जाता है। अपराधियों की साठगांठ पुलिस वालों, नेताओं, उच्च अधिकारियों से होती है, जिसकी वजह से वो छूट जाते हैं। अभी हमारे देश में बाल तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं है। अपराधी इनका फायदा उठा लेते हैं। देश में हर साल 1 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। 200 बच्चे देश में प्रतिदिन लापता होते हैं, जिसमें अधिकतर बच्चों को तस्कर दूसरे राज्यों, देशों में बेच देते हैं। कई बच्चों को विदेशों में बेच दिया जाता है। कई बार गरीब माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को पैसे के लालच में बेच देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे खो जाते हैं उनको अपराधी अगवा करके बेच देते हैं। लड़कियों को वैश्यालय में देह व्यापार के लिए विवश किया जाता है। बेरोजगारी के चलते कई लोग इस धंधे में लगे हुए हैं। इस काम में पुलिस, नेताओं और पैसे खिलाकर अपराधी अपना काम बना लेते हैं। बच्चों को 15,000 से 50,000 में बेच दिया जाता है। तस्कर अपना पैसा बना लेते हैं। ऐसे काम के लिए अपराधी गिरोह में काम करते हैं। देश में हर साल बड़ी मात्रा में बाल तस्करी की घटनाएं बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार 2015 में 6,500 बच्चों की तस्करी की गई। इसमें अधिकांश देह व्यापार, अश्लील चित्रण, फैक्ट्री में मजदूरी जैसे कामों का शिकार बने। रिपोर्ट के अनुसार हर साल होने पर बाल अपराध, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी जैसे अपराधों में सिर्फ 5 से 6% दोषियों को सजा हो पाती है। बाकी मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं और केस कमजोर होने पर अपराधी छूट जाते हैं। इसे रोकने में अनेक समस्याएं हैं। कई बार माँ बाप घटना की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाते हैं। कुछ लोग लाज, शर्म, बदनामी की वजह से प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। बाल यौन हिंसा में अनेक बार पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार ही दोषी होते हैं। ऐसे मामले में परिवार चुप्पी साध लेते हैं और रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। बाल तस्करी आधुनिक समाज के चेहरे पर बड़ा कलंक है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाना होगा। इसे रोकने के लिए देश के हर नागरिक को आवाज उठानी होगी। देश का हर बच्चा आपके बच्चे जैसा है। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन ऐसे अपराधों के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करेगा। संगठन से जुड़ने के लिए संपर्क करें संगठन की हेल्पलाइन नंबर 9552011005। नंबर पुनः एक बार नोट करें 9552011005। संगठन की सारी डिटेल आपको संगठन की वेबसाइट www.केंद्रीयमानवाधिकार.com पर मिल जाएगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए।